मेरा सीमन पतला क्यों है और पीला क्यों है? ये कई बच्चों के सवाल होते हैं, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। तो मेरा वीर्य, मेरा सीमन पतला क्यों है और पीला क्यों है? तो देखो, सबसे बड़ा कारण है इसका टेस्टोस्टेरोन की कमी। अगर आपकी बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो सीमेन पतला भी होगा और पीला भी हो जाएगा, हल्का सा उसमें पीलापन आ जाएगा। और आप खुद उसको देखोगे कि एक स्मेल जो पहले उसमें आती थी, वो स्मेल आनी कम हो गई है या बंद हो गई है। तो सबसे बड़ा कारण इसका यही है। दूसरा कारण यह है कि जब आप बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर लेते हो तो पेनिस क्योंकि कनेक्टेड है आपके टेस्टिस से और टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन, तो इसका असर टेस्टिस पर पड़ता है और टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन आती है। मास्टरबेशन जो बच्चे कर चुके हैं कई सालों तक, वो देखते हैं कि हाँ, सीमेन कुछ पतला हो गया है, कुछ उसमें पीलापन आ गया है पहले से, और जो स्मेल आनी चाहिए थी वो उसमें नहीं आ रही है अभी या कम आ रही है। इसका कारण एक सबसे बड़ा यह है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन है, अगर इसकी कमी होगी तो पूरा सेक्सुअल सिस्टम के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो सीमेन पतला भी हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि सीमेन में कुछ पतलापन है या हल्का सा उसमें पीलापन आ गया है, प्योर वाइट नहीं है वो और गाढ़ा नहीं है, पतला हो गया है पहले से, पानी जैसा हो गया, कई लोगों का हो जाता है, तो इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और एक टेस्ट टेस्टोस्टेरोन टोटल या टेस्टोस्टेरोन सीरम करवा सकते हैं। बहुत आसान है इस चीज को समझना कि सीमेन पतला क्यों है और पीला क्यों है। टेस्टोस्टेरोन की कमी के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाहते हैं। जैसे टेस्ट प्रोडक्शन जब अच्छा होने लग जाएगा तो सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी आप फर्क देखोगे, स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फर्क नजर आएगा। वैसे बहुत रेयर होता है कि यंग बच्चों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना है, उसकी वजह से यंग बच्चों में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी देखी जा रही है। और 40 के बाद तो ये नेसेसरी है हर इंसान में कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लग जाते हैं। तो कुछ भी पूछना है इस टॉपिक पर, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।